हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज हमारा 8th लेक्चर है। आज हमारा ईपीएफओ का 8th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम अपने आगे के सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में हमें ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन, इस टॉपिक पर बात करनी है। इस टॉपिक को डिटेल में कवर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक आपके लिए ज़रूरी सूचना कि हो सकता है कि हम अब अगला लेक्चर हमारा 6 मार्च के बाद आए, 6 मार्च के बाद, क्योंकि थोड़ा बाहर जाने की वजह से मैं थोड़ा हो सकता है कि मैं लेक्चर अपलोड ना कर पाऊँ। तो हमारा लेक्चर 7th या 8th मार्च को आएगा। ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि हमारे एक दो लेक्चर इस बीच आ भी जाएँ, लेकिन आपको फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि आप 6 मार्च तक अगर हमारा लेक्चर ना आए तो आप प्लीज़ परेशान ना हो। हम आगे 6 मार्च के बाद सारे लेक्चर अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा 8th लेक्चर है ईपीएफओ का। तो आज के लेक्चर में हमें निम्न टॉपिक को कवर करना है: ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन। इसमें है हमारा तलपट का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट बनाने के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, तलपट को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट के मिलान का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, अशुद्धियों को ज्ञात करना, सर्चिंग ऑफ एरर्स, और अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये सारे टॉपिक्स ब्रॉडली हमें आज के लेक्चर में कवर करने हैं। तो शुरू करते हैं आज के हम अपने पहले टॉपिक से, तलपट का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तलपट, जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं, ये नाम और जमा राशियों की शुद्धता जांचने का एक साधन है। यानी कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी, बही खाता या लेजर अकाउंट या और भी तरह के जो खाते होते हैं, तो वो उनका जो फॉर्मेट होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड प्राप्ति लिखी जाती है और राइट हैंड साइड भुगतान भुगतान प्रदर्शित किए जाते हैं। प्राप्ति वाले सेक्शन को नाम पक्ष भी कहते हैं और भुगतान वाले हिस्से को हम जमा पक्ष भी कहते हैं। तो इन नाम और जमा पक्ष की शुद्धता जांचने का कार्य का एक ये साधन है, ये एक सोर्स है। इसके जरिए नाम और जमा पक्ष में लिखी गई राशियों के बैलेंस की शुद्धता को जांचा जाता है। इसे ही तलपट या ट्रायल बैलेंस कहते हैं। यह दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की एक अंकगणितीय परीक्षण है, मैथमेटिकल असेसमेंट है। यह ड्यूअल एंट्री सिस्टम का एक मैथमेटिकल असेसमेंट है, जो ये जांचता है कि प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलू शुद्धता से अभिलिखित किए गए हैं। मतलब इस तलपट का कार्य ये करना है, कार्य ये किया जाता है इसके द्वारा, तलपट के दोनों पक्ष के जो प्रविष्टियां हैं, जो एंट्रीज हैं, उनमें सही अमाउंट लिखी गई है, रिकॉर्ड की गई है या नहीं। तलपट बही खातों में खतौनी की शुद्धता राशियों की जांच के विचार से खाता बही में सभी खातों के नाम और जमा के योग या शेषों को दर्शाने वाला विवरण है। तलपट जो है बही खातों में, लेजर अकाउंट में, खतौनी की शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग, खतौनी को आपको पता होगा कि पोस्टिंग कहा जाता है, इसकी शुद्धता राशियों की जांच के विचार से खाता बही में सभी खातों के नाम और जमा का योग, यानी कि इनका नाम और जमा का योग या शेष या फिर इनका बैलेंस, इसको दर्शाने वाला स्टेटमेंट है, विवरण है, इसी को ही तलपट कहा जाता है। तलपट लेखांकन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण विवरण है जो सभी खातों की स्थिति को दर्शाता है। यानी कि यह हर तरह के खाते को बैलेंस के नाम, चाहे वो नाम खाता हो या जमा खाता, उसके स्थिति को, उसकी कंडीशन को दर्शाता है तथा अंतिम विवरणों के बनाने में सहायक होता है। जो फाइनल स्टेटमेंट जो होते हैं उसको बनाने में ये सहायता करता है। यह वित्तीय विवरणों के निर्माण के कार्यों को सरल बनाने में सहायक होता है, क्योंकि लेखपाल, लेखपाल से यहाँ मतलब तात्पर्य अकाउंटेंट से है, अकाउंटेंट अकाउंटेंट खाता शेषों को प्रत्येक खाते से प्राप्त करने के बजाय सीधे तलपट से ही प्राप्त कर सकता है। अभी तलपट का यहाँ प्रारूप दिया हुआ है। तलपट सामान्यतः खाता शेषों से तैयार किए जाते हैं, जो अकाउंट बैलेंसेस होते हैं, जो बैलेंस रहते हैं, उनसे तैयार किया जाता है। तलपट सामान्यतः एक लेख अवधि के अंत में तैयार किया जाता है, जो भी फाइनेंशियल फाइनेंशियल टाइम पीरियड होता है, जैसे कि स्पेशली फॉर 1 ईयर, इस 1 ईयर के टाइम पीरियड की अवधि का ही तैयार किया जाता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। हालांकि एक संस्था यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडस्ट्री या कोई उद्यम इस तलपट को एक चयनित अवधि के अंत में भी तैयार कर सकता है, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री अपने तौर पर इसको मेंटेन
कर सकता है अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, चाहे वो एक साप्ताहिक वीकली तौर पर इसको मेंटेन करें, चाहे आपका दैनिक तौर पर डेली इसको मेंटेन करें, या मंथली बेसिस पर इसको मेंटेन करें, या फिर ईयरली बेसिस पर। ये किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री या फर्म का निजी अधिकार होता है। ये अवधि संस्था की आवश्यकता अनुसार मासिक, त्रैमासिक यानी कि आपकी क्वार्टरली बेसिस पर भी हो सकता है, और हाफ ईयरली बेसिस, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली बेसिस या वार्षिक ईयरली बेसिस। तो ये कुछ इसका शीर्षक प्रारूप दिया गया है, इसका फॉर्मेट, तलपट का फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, इस तरह का कुछ इसका फॉर्मेट होता है, जिसमें खाता शीर्षक होता है, या फिर बही पृष्ठ संख्या, बही या मतलब बही खाता, फिर नाम राशि और ये जमा राशि, इस तरह इसको मेंटेन किया जाता है। फिर यह तलपट तैयार करने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, खाता बही के प्रत्येक खाते के शेष को ज्ञात करना, यानी कि खाता बही जो लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट में दो अकाउंट होते हैं, यानी कि नाम खाता और जमा खाता, इन दोनों के शेष, इन दोनों का जो बैलेंस है उसको ज्ञात करना, प्रत्येक खाते को सूचीबद्ध करना तथा इनके शेषों को नाम स्तंभ एवं जमा स्तंभ में लिखना। यदि किसी खाते का शेष शून्य है तो इसे तलपट में उसी स्तंभ में लिखा जाएगा जिसमें इस खाते के सामान्य शेष को लिखा जाता है। फिर है नाम शेष स्तंभ का कुल योग करना, फिर जमा शेष स्तंभ का कुल योग करना। ये स्टेप बाय स्टेप इन प्रोसीजर्स को तलपट बनाने के समय फॉलो किया जाता है। फिर है जांच करना कि नाम शेषों का योग जमा शेषों के योग के बराबर है या नहीं। यदि वो समान नहीं है तो इसका अर्थ हुआ कि कुछ त्रुटि है, यानी कि कुछ ना कुछ एरर वहाँ मौजूद है अगर समान नहीं है। इसलिए सभी खातों के शेषों की शुद्धता की जाँच करना आवश्यक है, यानी कि जो जितने भी अकाउंट होते हैं उनके बैलेंस की जांच करना, बैलेंस की शुद्धता की, बैलेंस की एक्यूरेसी की, ये कितना एक्यूरेट है वो, या कितना शुद्ध है, परिशुद्ध जांच करना ये आवश्यक है। पर सभी परिसंपत्तियां, व्यय एवं प्राप्य खातों का नाम शेष होता है, जबकि सभी देयताएं यानी कि सभी लाइबिलिटीज, आगम रिवेन्यू एवं देय खातों का जमा शेष रहता है। सभी परिसंपत्तियां, जितने एसेट्स होते हैं परिसंपत्तियां, वे एसेट्स पर एक्सपेंडिचर और प्राप्य खातों का नाम, ये शेष रहता, नाम शेष होता है, और जबकि सभी देयताएं, आगम एवं देय खातों का जमा शेष रहता है। अब तलपट बनाने के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तलपट को तैयार करने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: खातों की अंकीय शुद्धता का निर्धारण करना, अशुद्धियों का पता लगाने में सहायता करना, फिर है वित्तीय विवरणों, लाभ व हानि खाता और तुलन पत्र की तैयारी करने में सहायता करना। अब हम तीनों के, इन तीनों उद्देश्यों को बारी बारी डिटेल में देखेंगे कि खातों की अंकीय शुद्धता का निर्धारण किस तरह किया जाता है, और अशुद्धियों का पता लगाने में जो सहायता की जाती है वो किस तरह की जाती है। इसी तरह वित्तीय विवरण, जो लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र, बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है, इनको, इसमें सहायता किस तरह तलपट के द्वारा की जाती है। पहला है बही खातों की अंकीय शुद्धता का निर्धारण। टू एसर्टेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। तलपट बनाने का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि खाता बही में सभी नाम एवं जमा राशियां ठीक से अभिलिखित कर ली गई हैं या नहीं, यानी कि रिकॉर्ड कर ली गई हैं सभी राशियों को नाम खाते में और जमा खाते में ठीक से, यानी कि एक्यूरेट फॉर्म में, बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में अभिलिखित, रिकॉर्ड कर लिया गया है या नहीं, तथा सभी बही खातों का यानी कि सभी लेजर अकाउंट का शुद्धता से शेष निकाल लिया गया है या नहीं। बही खातों को हमने पहले अपने शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि बही खाते क्या होते हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर्स को जाके फॉलो कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशंस वहां पर दी गई है, निकाल लिया गया है या नहीं। सारांश के रूप में खाता बही समस्त खातों और उनके शेषों की सूची है, यानी कि लेजर अकाउंट जो होता है, लेजर अकाउंट समस्त खाते यानी कि नाम खाता और जमा खाता, इनके जो शेष होते हैं, इनका जो बैलेंस रहता है, ये उसकी सूची को ही लेजर अकाउंट कहा जाता है, जो उसकी लिस्ट होती है उसी को ही लेजर अकाउंट कहा जाता है। यदि तलपट के नाम और उनके जमा स्तंभों का योग समान है, यानी कि अगर यहाँ उसका नाम पक्ष का, नाम पक्ष और जमा पक्ष के जो कॉलम हैं इनका योग अगर समान आता है, यहाँ योग अगर समान आता है, तो यह माना जाता है कि बही खातों में खतौनी यानी कि पोस्टिंग एवं ज्ञान शेष अंकगणितीय रूप से सही है, यानी कि इसका जो शेष बैलेंस आ रहा है वो मैथमेटिकल फॉर्म में सही है। हालांकि तलपट का मिलान बही खातों की शुद्धता का अंतिम परिणाम नहीं है, यानी कि तलपट का मिलान करने का उद्देश्य जो ये नहीं है कि बही जो लेजर अकाउंट की जो एक्यूरेसी आ रही है अगर वो सही आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तलपट का मिलान सही तरह से हो गया है, इसको आगे भी प्रोसेस किया जाता है। ये सिर्फ इस ओर संकेत करता है
कि बही खातों में समान नाम एवं जमाओं का सही अभिलेखन कर दिया गया है। यानी कि अगर लेजर अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है, नाम और जमा कॉलम का जो बैलेंस आ रहा है, अगर वो ठीक आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, तो इसका मतलब केवल इतना है कि इनको ठीक से रिकॉर्ड किया गया है, ना कि ये कि ट्रायल बैलेंस का मैचिंग बिल्कुल सही है। यानी कि ट्रायल बैलेंस की मैचिंग से इसका लेना देना नहीं है। अशुद्धियों का पता लगाने में सहायता करना, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। जब तलपट का मिलान नहीं हो पाता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि कम से कम एक अशुद्धि अवश्य हुई है। यानी कि अगर किसी, ये जो इसका फॉर्मेट होता है, इसमें नाम पक्ष और जमा पक्ष में अगर इसका जो योग आता है, इसका जो बैलेंस आ रहा है, अगर वो सेम नहीं आ रहा है, एक्यूरेट नहीं आ रहा है, एक समान नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कम से कम एक अशुद्धि, इसमें एक एरर ज़रूर हुआ है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हुआ हो, लेकिन एक एरर तो कम से कम ज़रूर है। वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक भी एरर अगर आ जाएगा तो यहाँ पर इसका योग मिलान एक सा नहीं आएगा, तथा हो सकता है कि मिलान करते समय निम्न में से किसी चरण में अशुद्धि हुई हो, यानी कि किसी भी चरण में गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो, तो वो क्या हो सकते हैं, वो फेजेस किन चरणों में गलती की जा सकती है। पहला, सहायक बहियों का योग करना। दूसरा, रोज नामचे से प्रविष्टियों की खाता बही में खतौनी करना। फिर है तीसरा, खातों के शेष की गणना करना। खातों के शेष को तलपट में ले जाना। तलपट के सभी स्तंभों का योग करना, यानी कि सहायक बहियों का योग करना, जो अकाउंट जो लेजर्स अकाउंट होते हैं, सहायक लेजर अकाउंट्स, उनका योग करना, उनको जोड़ना। फिर रोज नामचा जो होता है, जर्नल्स जो होते हैं, उनकी प्रविष्टियों की खाता बही में खतौनी करना, यानी कि उनकी जो एंट्रीज होती हैं उसको लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना, लेजर अकाउंट के अंदर इनकी पोस्टिंग करना। या फिर खाते के शेष की गणना करना, जो बैलेंस होता है किसी भी अकाउंट का, उसके शेष की को कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना। फिर एक, खातों के शेष को तलपट में ले जाना, जो खातों का जो बैलेंस है उसको ट्रायल बैलेंस में ले जाना। फिर तलपट के स्तंभों का योग करना, जो ट्रायल बैलेंस के कॉलम है उनको जोड़ना, तलपट के स्तंभों का योग करना। आगे, ये आवश्यक नहीं कि तलपट के दोनों स्तंभों के योगों में अंतर की राशि छोटी है या बड़ी। स्तंभों का योग यदि समान भी है तो भी लेखांकन शुद्धता सुनिश्चित नहीं है। यानी कि अगर दोनों स्तंभों का, दोनों कॉलम का योग समान आ रहा है, कैलकुलेशन समान आ रही है, तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो जो है इसकी जो शुद्धता है, एक्यूरेसी है, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ अशुद्धियाँ असमान नाम एवं जमा शेषों को प्रभावित नहीं करती। उदाहरण के लिए, यदि लेखपाल रोज नामचा में प्रविष्टि के समय या रोज नामचा प्रविष्टि की खाता बही में खतौनी करते समय सही राशि को गलत खाते के नाम पक्ष में लिख सकता है, इस अशुद्धि के कारण भी दो खातों के शेषों में अशुद्धि हो जाएगी। यानी कि अगर कोई राशि यहाँ नाम पक्ष की जगह जमा पक्ष में लिख दी जाए, और जमा पक्ष वाली राशि जमा पक्ष की जगह स्थान पर के स्थान की जगह नाम पक्ष में लिख दी जाए, तो भी जब योग आएगा तो वो समान आएगा। तो एक्यूरेसी उसका, उस एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं है कि ये ट्रायल बैलेंस सही से मैच किया गया है। इसमें नाम जो इनका जो राशियाँ लिखी जाती हैं, राशियाँ के मिसमैच होने से भी अशुद्धि हो सकती है, लेकिन फिर भी तलपट का मिलान हो जाएगा। यानी कि तलपट का तो मिलान हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तलपट बिल्कुल एक्यूरेट है। एक दूसरी अशुद्धि ये हो सकती है कि लेखपाल द्वारा अशुद्ध राशि को समान रूप से नाम एवं पक्ष में अभिलिखित किया गया है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई 100 रुपये की राशि नाम पक्ष में लिखनी थी और जमा पक्ष में 200 रुपये की राशि लिखनी थी, तो यह कहा किया गया कि 100 रुपये की राशि दो बार लिख दी गई और इधर भी 200 रुपये की राशि दो बार लिख दी गई, तो भी उस कंडीशन में भी अगर एक राशि को दोबारा लिख दिया गया है, जो रिवीजन हुआ है, किसी तरह की पुनरावृत्ति हुई है, तो भी उसमें योग तो समान आएगा और तलपट का भी मिलान हो जाएगा, लेकिन इससे इसके एक्यूरेसी की पुष्टि नहीं होती है। इस अशुद्धि के कारण दो खातों का शेष अशुद्ध होगा, लेकिन इसके कारण नाम शेष एवं जमा शेषों में असमानता नहीं आएगी। यानी कि इसके नाम शेष और जमा शेष में तो असमानता नहीं आएगी, लेकिन दो खाते अशुद्ध हो जाएंगे। यानी कि नाम खाता और जमा खाता, इन दोनों में ही अशुद्धि हो जाएगी, लेकिन इसका योग से बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। परिणाम स्वरूप, यदि तलपट के स्तंभों का योग समान है तो मूल अभिलेखन पुस्तक या रोज नामचा या रोकड़ बही कैश बुक, रोकड़ बही को जिसको कैश बुक कहते हैं, इसको भी हमने पिछले लेक्चर्स में अपने शुरुआती लेक्चर्स में कवर किया था, इसके डेफिनेशन को, इसमें की गई सभी प्रविष्टियों का अभिलेखन एवं खतौनी सही है, इसकी पुष्टि नहीं होती है। आगे है वित्तीय कार्य विवरणों, लाभ व हानि खाता और तुलन पत्र की तैयारी करने में सहायता करना, टू हेल्प
इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तलपट लेखांकन अभिलेखा एवं वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बीच की कड़ी है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए खाता बही के संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुतः मिलान किए गए तलपट की उपलब्धता ही वित्तीय विवरणों की तैयारी में पहला कदम होता है। तलपट में प्रदर्शित सभी आगम यानी कि सभी रिवेन्यू और वे एक्सपेंडिचर खाते, व्यापार एवं लाभ और हानि खाते में हस्तांतरित हो जाते हैं। इसमें सभी परिसंपत्ति, देयता, आहरण, आहरण हमने बताया था ड्रॉइंग, जो पैसा निकालने को कहते हैं ड्रॉइंग, और पूंजी खाते यानी कि कैपिटल अकाउंट तुलन पत्र में, बैलेंस शीट में हस्तांतरित हो जाते हैं। जितनी भी परिसंपत्ति यानी कि एसेट्स होते हैं और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं और ड्रॉइंग्स जो होती हैं, जो पैसा निकाला जाता है, और पूंजी खाते तुलन पत्र में हस्तांतरित हो जाते हैं, बैलेंस शीट में हस्तांतरित हो जाते हैं। अब है तलपट को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, किस तरह इसको तलपट को तैयार किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से तलपट निम्नलिखित तीन विधियों में तैयार किया जाता है। पहला है योग विधि, कल टोटल मेथड, फिर है शेष विधि बैलेंस मेथड, और योग एवं शेष विधि। तो एक एक करके इसको तीनों के देखते हैं। योग विधि, इस विधि के अंतर्गत खाता बही के प्रत्येक पक्ष यानी कि नाम और जमा दोनों का योग अलग से ज्ञात किया जाता है और उन्हें तलपट के संबंधित स्तंभों में सूचीबद्ध किया जाता है। यानी कि ये जो फॉर्मेट होता है इसका, इसमें जो नाम पक्ष होता है, एक नाम पक्ष और एक आपका जमा पक्ष, इन दोनों को ही अलग अलग कॉलम में इसका योग किया जाता है, इनका योग कर लिया जाता है और फिर इसको एक तीसरे कॉलम में सूचीबद्ध कर लिया जाता है। तलपट के नाम स्तंभ का योग तलपट के जमा स्तंभ के योग से मिलना चाहिए, यानी कि इन दोनों का योग समान आना चाहिए, क्योंकि खाते दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित होते हैं। क्योंकि कोई भी अकाउंट, हमने ये भी शुरू में डिस्कस किया था कि कोई भी अकाउंट जो होता है, कोई भी खाता जो होता है, वो ड्यूअल एंट्री पर आधारित होता है। इसमें ड्यूअल एंट्री होती है, यानी यदि कहीं से पैसा निकाला जाएगा तो एक तो उस अकाउंट में परिवर्तन होगा जहां से निकाला गया है, और दूसरा जब ये पैसा कहीं खर्च होगा तो जाहिर सी बात है वो पैसा घूमकर दोबारा, ऐसा माना जाता है कि बैंक में जाएगा, इकोनॉमी से निकलकर बैंक में आएगा वो, तो बैंक में आएगा तो दूसरे किसी अकाउंट में आएगा किसी के, तो उस अकाउंट में परिवर्तन होगा। तो यानी कि एक बार जब पैसा आहरण किया जाता है, ड्रॉइंग की जाती है पैसे की, ड्रॉ किया जाता है किसी अकाउंट से, तो वो दो खातों को प्रभावित करता है, एक जहां से निकाला गया है और दूसरा जहां घूमकर वो पैसा जाएगा। हालांकि ये विधि व्यापक रूप से प्रयोग में नहीं लाई जाती है, यानी कि इसको टोटल मेथड को, कैलकुलेशन मेथड को ब्रॉड वे में रूप में नहीं, प्रयोग में नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये विभिन्न खातों के शेषों की शुद्धता की जांच, एक्यूरेसी का असेसमेंट और वित्तीय विवरण बनाने में यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में सहायता नहीं करता है। दूसरा हमारा शेष विधि, बैलेंसेस मेथड। ये विधि सर्वाधिक व्यवहार में है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाने वाली विधि है वो यही है, शेष विधि। इस विधि में सभी बही खातों के शेषों के योग द्वारा तलपट तैयार किया जाता है, यानी कि सभी लेजर अकाउंट्स जो होते हैं, लेजर अकाउंट्स, उनका जो उनके जो टोटल होता है, उनके जो बैलेंस का टोटल होता है, उनके बैलेंस का टोटल जो होता है, उसके योग द्वारा तलपट तैयार किया जाता है। इसकी शुद्धता की जांच के लिए तलपट के नाम एवं जमा शेषों का योग किया जाता है, यानी कि इसकी जो शुद्धता की जांच की जाती है, इसका असेसमेंट किया जाता है जब एक्यूरेसी का, तो तलपट के नाम पक्ष, तलपट का जो नाम पक्ष होता है यानी कि प्राप्ति, रिसीविंग पक्ष जो होता है, और फिर भुगतान, पेमेंट पक्ष, जमा पक्ष जिसे कहते हैं, उनका योग किया जाता है। खातों के शेषों का प्रयोग यहाँ इसलिए किया जाता है क्योंकि शेष जो बैलेंस होता है, एक खाते के सभी नाम एवं जमाओं के शुद्ध प्रभाव को सारांशित करता है। क्योंकि जो शेष होता है, बैलेंस जो होता है, वो बैलेंस किसी भी खाते के नाम पक्ष और जमा पक्ष के शुद्ध प्रभाव को, यानी कि जो उसका कैलकुलेशन का शुद्ध प्रभाव आता है, उसी को शो करता है, उसी को समराइज करता है एवं वित्तीय विवरणों को बनाने में सहायता करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में सहायता करता है। तलपट में साधारणतया देनदारों के व्यक्तिगत खातों के शेष के स्थान पर विविध देनदार राशि को दर्शाया जाता है। जो देनदार होते हैं उनके व्यक्तिगत खातों के शेष के स्थान पर विविध देनदार राशि को दर्शाया जाता है। इसी प्रकार लेनदार के व्यक्तिगत खातों की राशि के स्थान पर जो क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार जो कौन होते हैं, क्रेडिटर्स, जिन्होंने पैसा दिया था किसी को, अब वो उनको वापस लेना है, तो क्रेडिटर्स के जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उसकी राशि के स्थान पर विविध लेनदारों की राशि दर्शाई जाती है। अब यहाँ है योग एवं शेष विधि, टोटल कम बैलेंसेस मेथड। यह विधि शेष एवं योग विधि का सम्मिश्रण है, यानी कि ये योग टोटल विधि यानी कि टोटल बैलेंस टोटल मेथड और बैलेंसेस मेथड का सम्मिश्रण है।
मिश्रित रूप है। इस विधि में राशि के लिए चार स्तंभ तैयार किए जाते हैं, अमाउंट के लिए चार स्तंभ तैयार किए जाते हैं, दो स्तंभ विभिन्न खातों के नाम और जमा योग लिखने के लिए तथा अन्य दो स्तंभ इन खातों के नाम और जमा शेषों को लिखने के लिए होते हैं। यानी कि दो स्तंभ जो होते अमाउंट के लिए, कोई भी अमाउंट उसके लिए चार स्तंभ लिखे जा, चार स्तंभ बनाए जाते हैं, चार कॉलम, उसमें से दो जो कॉलम होते हैं, दो कॉलम जो होते हैं वो कॉलम होते हैं नाम और जमा पक्ष की राशियों को लिखने के लिए, और जो बाकी के दो कॉलम होते हैं वो होते हैं इन नाम पक्ष के बैलेंस लिखने के लिए और दूसरा जमा पक्ष के बैलेंसेस लिखने के लिए। यद्यपि ये विधि व्यवहार में नहीं लाई जाती, यानी कि प्रैक्टिकल में इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है तथा इससे शायद ही किसी अतिरिक्त या विशेष उद्देश्य की पूर्ति होती हो। यानी कि कोई ऐसा भी नहीं है इस विधि के अंदर कि जो स्पेशल किसी पर्पस को पूरा करता हो। तो यहाँ इसका फॉर्मेट दिया गया है पूंजी खाता करके, कैपिटल अकाउंट करके। यहाँ इस मिक्स विधि का टोटल का बैलेंसेस मेथड का फॉर्मेट दिया गया है। इसमें नाम विवरण, नाम पक्ष होता है और जमा पक्ष, नाम डेट और स्टेटमेंट होता है, यहाँ राशि होती है इधर और इधर बैलेंस होता है, और फिर इसी तरह इसमें जमा पक्ष में भी राशि और उसका बैलेंस और डेट और स्टेटमेंट। फिर है तलपट के मिलान का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सामान्यतः मिलान हुए तलपट का अर्थ है कि प्रत्येक लेन देन के लिए नाम एवं जमा दोनों प्रविष्टियां ठीक से कर ली गई हैं। हालांकि तलपट का मिलान खाता की शुद्धता का संपूर्ण प्रमाण नहीं होता, किसी भी खाते की शुद्धता का संपूर्ण प्रमाण नहीं होता। अगर हम तलपट का मिलान कर रहे हैं तो नाम और जमा पक्ष में, नाम और जमा पक्ष के हम बैलेंसेस को का योग करते हैं और उनको मैच करते हैं। अगर ये मैच हो रहा है तो फिर तब भी ये तलपट के मिलान का संपूर्ण प्रमाण नहीं है, यानी कि ये इससे सर्टिफाइड नहीं होता है कि तलपट का एक्यूरेट है। एक मिलान किया हुआ तलपट कुछ हद तक केवल यह सिद्ध करता है कि खाता बही में खतौनी अंक गणितीय रूप से शुद्ध है, यानी कि यह सिर्फ यह शो करता है, अगर इसका मिलान किया जाता है तो यह सिर्फ यह शो करता है कि यह मैथमेटिकल फॉर्म में बिल्कुल ठीक हुआ बना है। अगर यह सही आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है, तो इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि यह मैथमेटिकल फॉर्म में तो बिल्कुल ठीक है, परंतु इस बात की यह गारंटी नहीं देता कि प्रविष्टि अपने आप में शुद्ध है। यहां एक बात आपको समझनी होगी, तो यहां जो कैलकुलेशन की जाती है नाम पक्ष और जमा पक्ष में, और इसका योग अगर समान आता है तो इससे ये तो पता चलता है कि ये मैथमेटिकल फॉर्म में तो ये शुद्ध है, एक्यूरेट है, लेकिन इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर जो राशि हमने पुट की है वो हमने सही लिखी है। हो सकता है उस राशि में कोई कमी की गई हो या ज़्यादा लिख दी गई हो, और उसी तरह उतनी ही इंक्रीमेंट या डिक्रीज जमा पक्ष की राशि में कर दिया गया हो, तो भी मैचिंग जो है बिल्कुल ठीक आएगी, योग जो आएगा इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि तलपट को का मिलान बिल्कुल ठीक हुआ है। यदि तलपट नहीं मिल पाता है तो ये इस और संकेत देता है कि लेखांकन अभिलेखों में अशुद्धि की गई है, यानी कि लेखांकन के जो अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड हैं उसमें अशुद्धि हो गई है। अशुद्धियाँ ऐसी भी हो सकती हैं कि जो नाम एवं जमाओं के साम्य को प्रभावित करें, यानी कि उसकी समानता को, नाम पक्ष और जमा पक्ष के समानता को प्रभावित करें, और ऐसी भी हो सकती हैं जो कि नाम एवं जमा के साम्य को प्रभावित ना करें फिर भी अशुद्धि हो गई हो। तो कुछ सामान्य त्रुटियां निम्नलिखित हैं, यानी यहाँ कुछ प्रकार की त्रुटियां बताई गई हैं कि किस किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना रहती है। पहली है स्तंभों के नाम एवं जमा शेषों के योग में अशुद्धि, यानी कि अगर उसकी कैलकुलेशन स्तंभों के जो नाम पक्ष है और जमा पक्ष है इसकी जो कैलकुलेशन आ रही है, इसके बैलेंस जो आ रहा है, बैलेंस का योग जो आ रहा है उसमें अशुद्धि हो गई हो किसी प्रकार की, या फिर सहायक बही के योग में अशुद्धि, जो लेजर अकाउंट है, सहायक लेजर अकाउंट उसका जो बैलेंस आ रहा है, बैलेंस का योग, उसमें अशुद्धि की कर दी गई हो, या सहायक बही के योग की खतौनी में अशुद्धि, या जो सहायक लेजर अकाउंट है उसकी जो पोस्टिंग है उसमें अशुद्धि कर दी गई हो, खतौनी में अशुद्धि, खाता शेष को तलपट के गलत स्तंभ या गलत राशि से दर्शाया जाना, यानी कि जो खाता शेष है, बैलेंस अकाउंट है, उसमें उसको तलपट के किसी गलत स्तंभ में दिखा दिया गया हो, गलत कॉलम में शो कर दिया गया हो, या गलत राशि से उसको इंडिकेट कर दिया गया हो। इसी तरह तलपट में खाता शेष को लोप अशुद्धि, यानी कि उसका ओमिशन हो गया हो, लोप कर दिया गया हो, खाता शेष की गणना में त्रुटि, यानी कि बैलेंस अकाउंट की, अकाउंट बैलेंस का जो गणना की गई है, कैलकुलेशन किया गया है, उसमें किसी तरह की अशुद्धि कर दी गई हो, या फिर रोज नामचा प्रविष्टि की खतौनी में अशुद्धि, जो जर्नल एंट्री होती है, जर्नल्स में जो एंट्री की जाती है उसकी पोस्टिंग में अशुद्धि, रोज नामचा प्रविष्टि की गलत खतौनी अर्थात गलत राशि या खाते के गलत पक्ष या गलत खाते में खतौनी,
फिर है रोजनामचे में सौदों के अभिलेख एंड ट्रांजेक्शंस के रिकॉर्ड में अशुद्धि, इसके उलट प्रविष्टि कर देना, अर्थात नाम की जगह जमा पक्ष में प्रविष्टि कर देना और जमा पक्ष की जगह नाम पक्ष में प्रविष्टि कर देना। सहायक बही में गलत नाम या गलत राशि से अभिलेखन, यानी जो सहायक लेजर अकाउंट है उसमें गलत नाम में गलत राशि का अभिलेखन कर दिया जाए, यानी कि नाम यहाँ पर प्राप्ति कहीं और से हो रही थी और किसी और की जगह पर उसका रिकॉर्ड कर दिया गया हो, इस तरह भी इसमें त्रुटि हो सकती है। अब अशुद्धियों का वर्गीकरण, इन सारी जो उपरोक्त हमने अशुद्धियां देखी हैं इनको चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रकृति के आधार पर, इनकी जो प्रकृति होती है, जो स्वरूप होता है, उस आधार पर इनको चार वर्गों में बांटा जा सकता है, चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली होती हैं लेख अशुद्धियां, एरर्स ऑफ कमीशन, दूसरी होती हैं लोप अशुद्धियां, एरर्स ऑफ ऑमिशन, फिर होती हैं सैद्धांतिक अशुद्धियां, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, फिर है क्षतिपूरक अशुद्धियां, कंपनसेटिंग एरर्स। अब एक एक करके इस चारों की चर्चा करेंगे हम। पहली हमारी लेख अशुद्धियां, एरर्स ऑफ कमीशन, यह ऐसी अशुद्धियां हैं जो कि लेन देनों की गलत खतौनी, खातों के गलत योग या गलत शेष सहायक बहियों के गलत योग, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में गलत अभिलेखन इत्यादि से होती हैं। यानी कि ये किस प्रकार की अशुद्धियां, लेख अशुद्धियां, जिसमें लेन देनों में गलत खतौनी कर दी जाए, गलत तरह से पोस्टिंग कर दी जाए या खातों का गलत योग कर दिया जाए, यानी कि अकाउंट्स का जो कैलकुलेशन है वो ही गलत की कर दी जाए, ये लेखा प्रकार की अशुद्धियाँ हैं ना। तो इसमें लेखा करते समय ही, यानी कि क्लैरिकल मिस्टेक भी कहा जाता है, यानी कि लिपिकीय गलतियाँ, लिपिकीय अशुद्धियाँ, ये जो रिकॉर्ड करते समय किसी लिपिक से या अकाउंटेंट से हो जाती हैं, सामान्यता हो जाती हैं। तो या गलत शेष, जो गलत बैलेंस है उसकी सहायक बहियों के गलत योग, जो सहायक लेजर अकाउंट हो उसमें गलत तरह से उसका कैलकुलेशन कर दिया जाए, या प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री प्रारंभिक लेखा पुस्तकें, इसकी भी हमने शुरुआती लेक्चर्स में अपने डिटेल में चर्चा की थी और इसकी परिभाषा को भी देखा था, ये भी आप चाहें तो शुरू के लेक्चर्स में देख सकते हैं। फिर गलत अभिलेखन कर दिया जाए, यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसमें गलत कैलकुलेशन कर दी जाए या इसका गलत रिकॉर्ड कर दिया जाए, तो इस परिभाषा के अनुसार ये अशुद्धि लिपिकीय अशुद्धियां कहलाती हैं, और ऐसी अशुद्धियां तलपट में प्रतिबिंबित हो जाती हैं, यानी कि इनको ट्रायल बैलेंस में ये आराम से शो हो जाती हैं। फिर है लोप अशुद्धियां, एरर्स ऑफ ऑमिशन, ये अशुद्धियां प्रारंभिक लेख की बहियों के अभिलेखन के समय या खाता बही में खतौनी के समय हो जाती हैं, खाता बही में लेजर अकाउंट में पोस्टिंग के समय हो जाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होता है पूर्ण लोप अशुद्धि, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, और आंशिक लोप अशुद्धि, एरर्स ऑफ पार्शियल ओमिशन। तो जब कोई लेन देन पुस्तकों या बहियों, ट्रांजैक्शंस कोई भी जो होता है, वो जो बुक्स या अकाउंट्स या लेजर अकाउंट्स में प्रविष्टि होने से पूरी तरह रह जाता है, अगर किसी भी लेन देन का, किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री यहाँ रिकॉर्ड करने से पूरी तरह छूट जाए, यानी कि वो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ही ना दिया जाए, उसको वो पूरी तरह से रिकॉर्ड करने से छूट जाए, तो ऐसी अशुद्धि पूर्ण लोप अशुद्धि होती है, पूर्ण लोप अशुद्धि होती है। और यदि एक लेन देन की प्रविष्टि बहियों में होने से आंशिक रूप से रह जाती है, पार्शियल रूप से रह जाती है, तो ऐसी अशुद्धि आंशिक लोप अशुद्धि कहलाती है। और इस तरह की अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर ट्रांजेक्शन किसी एक अकाउंट से चार तरह के अलग अलग ट्रांजेक्शन किए गए, लेकिन उसमें से तीन ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड कर लिया गया और चौथा छूट गया, तो ऐसी अशुद्धि आंशिक लोप अशुद्धि कहलाती है। या एक कर लिया गया, तीन छूट गया, या दो कर लिया गया, दो छूट गया, वो कोई भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, तो उसको आंशिक अशुद्धियाँ, आंशिक लोप अशुद्धि कहलाती है। अगला टॉपिक हमारा सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, लेखांकन प्रविष्टियाँ सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अभिलेखित की जाती हैं, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनके अनुसार ही इनका लेखन अभिलेखन किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है। यदि इन सिद्धांतों में से किसी का उल्लंघन हो या उन्हें अनदेखा कर दिया जाए, तो इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई अशुद्धियों को सैद्धांतिक अशुद्धियों के रूप में जाना जाता है। अब सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं, इसके लिए आपको पिछले लेक्चर्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये गैप का चैप्टर हमने बहुत ब्रॉडली कवर किया है, और इस सारे कॉन्सेप्ट जिसमें मीजरमैन कॉन्सेप्ट है या फिर ड्यूअल एंट्री कॉन्सेप्ट है, हर तरह के हमने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ब्रॉड वे में, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने कम से कम 12 या 13 कॉन्सेप्ट उसमें कवर किए हैं। उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन डायरेक्ट जो पूछा जाता है UPSC EPFO के एग्जाम में वो नहीं आएगा।
तो उन अशुद्धियों को, उन कॉन्सेप्ट को आप जरूर देख लें एक बार। फिर सैद्धांतिक अशुद्धियां पूंजीगत और आयगत के रूप में वे एक्सपेंडिचर या प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण के कारण भी हो सकती हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता है, यानी कि इनका प्रभाव जो होता है, इनका इम्पैक्ट जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी पड़ता है। इसके फलस्वरूप आय यानी कि इनकम या परिसंपत्तियां यानी कि या एसेट्स या देयताएं या लायबिलिटीज इत्यादि कम या अधिक मूल्य पर उल्लेखित की जाती हैं, इनको ज्यादा मूल्य पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें उदाहरण के लिए यहां पर एग्जांपल एक दिया हुआ है कि भवन के विस्तार पर व्यय की गई राशि को पूंजीगत व्यय ही माना जाना चाहिए और परिसंपत्ति खाते में नाम में लिखी जानी चाहिए। यहां इस एग्जांपल से बताया गया है कि कैपिटल अकाउंट जो होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप में से इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि किसे कहते हैं, कि जब किसी ऐसी मद पर खर्चा जिससे आगे भविष्य में रेवेन्यू का जनरेशन हो, जैसे कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, अब उससे किसी तरह का हम कोई कंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे तो उसमें हमें किसी तरह का रेंट या फिर और भी अदर कमर्शियल पर्पज से उसको यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि हमें आगे आने वाले समय में कोई कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन इसी भवन पर जब साल दर साल मेंटेनेंस की जाएगी तो ये मेंटेनेंस इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, यानी कि ये जो हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया है ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। जिसे मान लीजिए किसी प्लांट या किसी मशीनरी को कोई कंपनी मशीनरी खरीदती है और वो 10 साल तक सर्विस सोचती है कि ये मशीनरी 10 साल तक सर्विसेज देगी उसे, तो ये मशीनरी पर खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इस पर जो हर साल रखरखाव का जो खर्चा आएगा, मेंटेनेंस का जो खर्चा आएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो इसको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है परिसंपत्ति खाते में, इसको नाम पक्ष में लिखा जाता है। इसके स्थान पर यदि ये राशि रखरखाव व मरम्मत पर खाते के नाम पक्ष में लिख दी जाए तो यह आयगत व्यय बन जाएगी, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर बन जाएगी। इस प्रकार ये एक सैद्धांतिक अशुद्धि है, यानी कि ये एक तरह की प्रिंसिपल मिस्टेक है, सैद्धांतिक मिस्टेक। इस प्रकार यदि किसी मशीन का उधार क्रय किया गया है, यानी कि उसको उधार पर खरीदा गया है, तथा उसका अभिलेखन मूल रोजनामचा यानी कि जर्नल में, जर्नल के स्थान पर क्रय बही कैश बुक में कर दिया जाता है, और कैश बुक में हमने पहले लेक्चर में शुरू में पढ़ा था कि कैश बुक में सारी खरीद और फरोख्त यानी कि क्रय और विक्रय जो नकद किए जाते हैं उन्हीं को ही कैश बुक में एंट्री की जाती है, या फिर मकान मालिक को किराया दिया तथा उसे रोकड़ बही में मकान मालिक को भुगतान के रूप में अभिलेखित कर दिया गया हो, तो ये भी सैद्धांतिक अशुद्धि है। आपको शायद यहाँ पर ये सब चीज़ें समझने से पहले हमारे शुरुआती लेक्चर जिसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट को कवर किया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आगे के ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज समझ में आएंगी। अब यहाँ पर यहाँ बताना पूरा डिटेल में संभव नहीं है, वरना लेक्चर ये 4-5 घंटे का हो जाएगा। यह अशुद्धियाँ तलपट प्रभाव को प्रभावित नहीं करती हैं। आगे है हमारा क्षतिपूर्वक पूरक अशुद्धियाँ, ये लास्ट अशुद्धि है, कंपनसेंटिंग एरर्स। जब दो या दो से अधिक अशुद्धियाँ इस प्रकार होती हैं कि इनका शुद्ध प्रभाव खातों के नाम पक्ष व जमा पक्ष पर प्रभाव पक्ष पर नहीं पड़ता है, तो ऐसी अशुद्धियाँ क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहलाती हैं। ऐसी अशुद्धियाँ तलपट के मिलान पर प्रभाव नहीं डालती हैं, यानी कि जो उसका मैचिंग होती है उसकी मैचिंग पर प्रभाव नहीं डालती हैं। यहाँ कैसी होती है क्षतिपूरक, यानी कि जैसे नाम पक्ष में 100 रुपये की एंट्री करनी थी और जमा पक्ष में 200 रुपये की, अब वह हो उल्टा एकदम गया इसका, कि यहाँ पर आपने 200 की एंट्री कर दी और यहाँ 100 की एंट्री कर दी, तो इस तरह भी बैलेंस आगे जाके योग में मिलान हो जाएगा। तो इस तरह की अशुद्धियों से इस पर असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन वो तलपट में बाद में लास्ट में सामने आ जाती हैं। अशुद्धियों को ज्ञात करना, सर्चिंग ऑफ एरर्स। यदि तलपट का मिलान नहीं हो पाता है तो लेखाकार को अशुद्धियां ढूंढने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए, अकाउंटेंट को अशुद्धियों को सर्च करने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए, जैसे तलपट के नाम पक्ष और जमा पक्ष को दोबारा जांचना यानी का रीअसेसमेंट करना, तलपट में दर्शाए गए खाते के शीर्षक, जो उसका शीर्षक है, टाइटल है, और राशि, जो राशि की खाता बही में दर्शाए गए खाता शीर्षक और राशि से तुलना करना, ताकि राशि में अंतर या एक खाते के लोप का पता लगाया जा सके, वर्तमान वर्ष के तलपट की गत वर्ष के तलपट से तुलना करना, ट्रायल बैलेंस जो है करंट फाइनेंशियल ईयर का जो ट्रायल बैलेंस है उसका कंपैरिजन लास्ट ईयर यानी कि पिछले प्रीवियस ईयर के ट्रायल बैलेंस के स्टेटमेंट से करना, फिर दोबारा जोड़ करना यानी कि उनको
कैलकुलेट करना और खाता बही में लेजर अकाउंट में प्रत्येक खाते में हर अकाउंट के शेषों के सही होने की जांच करना, यानी कि इनके बैलेंस की सही होने की, एक्यूरेट होने की असेसमेंट करना। फिर है अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। संशोधन के संदर्भ में अशुद्धियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं, और दूसरा, अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं। अशुद्धियों के संशोधन में ये अंतर प्रासंगिक है, रेलिवेंस है, क्योंकि ये अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित नहीं करती उनका प्रभाव किन्हीं दो खातों पर इस प्रकार पड़ता है कि उनका संशोधन रोजनामचा प्रविष्टि के माध्यम से सरलतापूर्वक किया जा सकता है, जबकि वे अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं केवल एक खाते से संबंध रखती हैं तथा इस दिशा में उचंती खाता, सस्पेंस अकाउंट। उचंती खाते को हम आगे डेफिनेशन इसकी चर्चा देखेंगे। उचंती खाते को खोले बिना सिर्फ रोजनामचा प्रविष्टि से संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसी अशुद्धियों का शोधन शून्यतम प्रविष्टि यानी कि नलीफाइंग एंट्री द्वारा किया जाता है। अब एक एक करके देखते हैं, अशुद्धियां जो तलपट पर प्रभाव नहीं डालती हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसी अशुद्धियां दो या दो से अधिक खातों में होती हैं। इन अशुद्धियों को द्विपक्षीय अशुद्धियों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें संबंधित खातों को सही नाम और जमा पक्ष दर्शाते हुए एक रोजनामचा प्रविष्टि करके संशोधित किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों के उदाहरण हैं कि जैसे प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में प्रविष्टि के अभिलेखन को भूल जाना, यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के में रिकॉर्ड को दर्ज कर गलत करने से रह जाना, लेखा बहियों में लेन देन का गलत अभिलेखन, जो भी लेजर अकाउंट्स होते हैं उसमें ट्रांजेक्शन का, जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उनका गलत अभिलेखन, यानी कि नाम पक्ष की जगह जमा पक्ष में एंट्री और जमा पक्ष की जगह नाम पक्ष में एंट्री कर देना, खतौनी करने से पूर्णतया रह जाना, पोस्टिंग करने से पूरा कंप्लीटली छूट जाना, उसकी पोस्टिंग ही नहीं होना, सही पक्ष में पोस्टिंग ये वाली डाक वाली नहीं है, ये पोस्टिंग खतौनी को कहते हैं, सही पक्ष में गलत राशि की खतौनी, यानी कि नाम सही पक्ष में गलत राशि, यानी कि यहाँ पर नाम में अगर एंट्री होनी है 100 रुपये की और एंट्री कर दी गई 200 रुपये की, पक्ष तो सही था लेकिन एंट्री ज़्यादा कर दी गई, और सैद्धांतिक अशुद्धियाँ और प्रिंसिपल्स जो मिस्टेक्स होती हैं, जो एरर्स होते हैं। फिर इनके संशोधन प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से निम्न तत्व सम्मिलित या निम्न स्टेप्स सम्मिलित होते हैं। विपरीत प्रविष्टि द्वारा गलत नाम और जमा के प्रभाव को निरस्त करना, यानी कि विपरीत अगर नाम पक्ष में 100 रुपये की गलत एंट्री या एक्स्ट्रा एंट्री कर दी गई है तो इसमें एक विपरीत, यानी कि इसके विपरीत जमा पक्ष में एक दूसरी एंट्री अन्य नाम से किसी नाम से की जाएगी और इतनी ही की एंट्री की जाएगी जिससे इसका प्रभाव निरस्त हो जाए। 100 रुपये की ही एंट्री करके उसको प्रभाव को निरस्त कर देना, सही नाम और जमा के प्रभाव को पूर्ण स्थापित करना। इस उद्देश्य के लिए हमें अशुद्धियों का विश्लेषण संबंधित खातों पर इसके प्रभाव के रूप में करना होता है, जो कि निम्न हो सकता है, किसी खाते में कम नाम व जमा या किसी खाते में अधिक नाम व जमा। इसलिए निम्न संशोधन प्रविष्टि की जा सकती है, नाम या अधिक जमा से खाते को नाम करके, या अधिक नाम या कम जमा से खाते को जमा करके। ये बहुत टेक्निकल टर्म्स है, इसको बहुत ध्यान से आपको कई कई बार सुनना पड़ेगा, कई कई बार ये लेक्चर्स को आपको देखना पड़ेगा तभी आपके समझ में आएंगे। और इससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो हमने लेक्चर बनाया है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, आप सीरियल वाइज हमारी अकाउंट्स की जो सीरीज चल रही है उसको सीरियल वाइज अगर कवर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेक्चर बाय लेक्चर आप इसको देखिए, क्योंकि हमने एक सिस्टमेटिक वे में इसको कवर किया है। आप पिछले लेक्चर को देखे बिना अगले लेक्चर को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि अकाउंटेंसी में यूज़ किए जाते हैं। तो अधिक नाम या कम जमा से खाते को जमा करके। अब आगे है तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ। पिछली वाली क्या थी, तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियाँ। अब ये वो अशुद्धियाँ हैं, ये वो एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करते हैं, इस पर इम्पैक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ये अशुद्धियां केवल एक खाते में होती हैं। इन अशुद्धियों का संशोधन एक व्याख्यात्मक टिप्पणी देकर या उचंती खाते सस्पेंस अकाउंट की सहायता से एक रोजनामचा प्रविष्टि करके किया जाता है, यानी कि एक जर्नल में एंट्री करके किया जाता है। इस खाते की अशुद्धियों के उदाहरण हैं योग की अशुद्धि यानी कि कैलकुलेशन का क्या एरर, किसी खाते के योग को आगे ले जाने में की गई अशुद्धि, यानी कि अगर उसको अकाउंट्स किसी कोई भी खाता है चाहे नाम पक्ष का हो चाहे जमा पक्ष का, उसमें जो योग किया गया है, कैलकुलेशन जो की गई है, उसको आगे बढ़ाने में अशुद्धि कर दी गई हो किसी तरह की, शेष की अशुद्धि यानी कि जो बैलेंस निकल कर आया है उसमें किसी तरह की अशुद्धि कर दी गई हो, सही खाते का गलत राशि से खतौनी यानी कि जो खाता तो नाम पक्ष का ही है लेकिन उसमें 100 की जगह 200 रुपये वाली राशि से पोस्टिंग कर दी गई हो, सही खाते के गलत पक्ष में खतौनी,
सही खाते के गलत पक्ष में खतौनी, यानी कि यहाँ पर कोई ट्रेडर्स ए है और दूसरा ट्रेडर्स बी है, तो जो ट्रेडर्स बी के मान लीजिए 500 रुपये की एंट्री थी वो ट्रेडर्स ए में कर दी गई 500 रुपये की एंट्री, तो सही खाते के गलत पक्ष में खतौनी, गलत राशि से गलत पक्ष में खतौनी, यानी कि अगर मान लीजिए ए कोई ट्रेडर है और इसके 500 रुपये की एंट्री होनी थी तो ये गलत खाते में जमा पक्ष में कर दी गई, और इसको नाम पक्ष में होना था और कर दी गई है जमा पक्ष में। तलपट में किसी खाते को दिखाने से भूल जाना, यानी कि ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल जो बैलेंस होता है उसमें किसी अकाउंट को दिखाने से छूट जाना। फिर है उचंती खाता, सस्पेंस अकाउंट, एक पक्षीय अशुद्धियों के विद्यमान होने के कारण यदि तलपट का मिलान नहीं भी हो पाता है तो भी लेखाकार को लेखांकन प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ेगी। लेखाकार अपने तलपट का मिलान करने के लिए अंतर की राशि को तलपट के कमी वाले पक्ष यानी कि उचंती खाते के रूप में लिख देता है, यानी कि जो खाते में कमी होती है उस कमी वाले खाते को ही उचंती खाता यानी कि सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। एक पक्षीय अशुद्धि होने के विद्यमान होने के कारण, यानी कि जैसे हमने आपको बताया था, मान लीजिए नाम पक्ष का और जमा पक्ष के योग में नाम पक्ष वाले हिस्से में 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ये 100 रुपये ज़्यादा आ रहा है, तो इसके अपोजिट वाले जमा पक्ष में ही 100 रुपये की एंट्री की जाती है, एक अन्य नाम से, काल्पनिक नाम से 100 रुपये की एंट्री करके इसके प्रभाव को, 100 रुपये के एक्स्ट्रा के प्रभाव को निरस्त किया जाता है। तो ये जमा पक्ष में जो 100 रुपये की एक्स्ट्रा एंट्री की गई है इसके प्रभाव को निरस्त करने के लिए, इस ही 100 रुपये की एंट्री को जो जमा पक्ष में अलग से की गई है जिसका कोई खाते से लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए इसकी एंट्री की गई है, तो इस काल्पनिक एंट्री को ही उचंती खाता कहते हैं, यानी कि सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया, बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा आई होप। फिर है लास्ट हमारा, आगामी लेखांकन वर्ष में अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। वित्तीय विवरणों को तैयार करने से पूर्व यदि कुछ ऐसी अशुद्धियां विद्यमान हैं जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सका है तो इस दशा में उचंती खाता बंद नहीं किया जाएगा, यानी कि जो अकाउंट जो अगर अशुद्धियां रह गई हैं तो उनको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बंद नहीं किया जाता है और उसका शेष आगामी लेखांकन वर्ष में आगे ले जाया जाएगा, जो बैलेंस होगा उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आगे ले जाया जाएगा। अगले वर्ष जब भी इन अशुद्धियों का को संशोधित किया जाएगा, जब असंशोधित अशुद्धियों के प्रभाव को लाभ हानि समायोजन खाते में दर्शाया जाएगा ताकि आगामी वर्ष का आय विवरण प्रभावित ना हो सके, यानी कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है या कमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें आय विवरण का जो इनकम का जो स्टेटमेंट है उसमें उस पर किसी तरह का अफेक्ट ना हो, वो किसी तरह से अफेक्टेड ना हो, इसलिए उसको उचंती खाता सस्पेंस अकाउंट का जो हमने राशि पुट की थी उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, उसको बंद नहीं किया जाएगा, उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। इससे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि आप हमने लेक्चर जो बनाए हैं वो बहुत सिस्टमेटिक वे में बनाए हैं, आप पिछला लेक्चर देखे बिना अगले लेक्चर को अगर फॉलो करेंगे तो वो हो सकता है कि आपके समझ में ना आए, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल टर्म्स हैं इस अकाउंटेंसी में। तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, शायद ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था जो हमने इसको जिसमें गैप के पार्ट को कवर किया था, और इसमें हमने ब्रॉडली सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं जो कि अकाउंटिंग में यूज़ किए जाते हैं, और इसको समझे बिना आपके लिए आगे के लेक्चर समझना बहुत ही मुश्किल है, तो आपको बहुत बोरिंग भी लगेगा, वरना अगर आप इस लेक्चर को देख लेंगे लेक्चर नंबर 3 को तो उसके बाद ये आगे के लेक्चर्स आपके लिए बहुत कैक वॉक हो जाएंगे, बहुत ईजी लगने लगेंगे। तो आप आज के लेक्चर में बस इतना ही, और हाँ एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये आज के बाद हमारा जो अगला लेक्चर हो सकता है 6 मार्च के बाद आए, 6 मार्च के बाद, तो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है इसके बीच में भी हम 2 या 3 लेक्चर्स आपको अगर टाइम मिलता है तो बनाकर दे देंगे, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन 6 मार्च के बाद फिर से कंटिन्यू हम कर देंगे रेगुलर बेसिस पर। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही।